टू डायगनल स्क्यर के गेवन है तो कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द प्रॉपर्टी द डायगनल ऑफ स्क्र बाई सेक्ट ईच अदर डायनल ऑफ स्क्र बाई सेक्ट ईच अदर एट नाइंटी डिग्री राइट तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक डायगनल ड्रॉ कर लेंगे सिक्स पॉइंट एट सेंटीमीटर का सी सिक्स पॉइंट एट सेंटीमीटर ये हमने डायगनल ड्रॉ कर लिया नाउ अब क्या करेंगे हम हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करके हाफ से ज्यादा जितना लाइन सेगमेंट है उसके हाफ से ज्यादा ओपन करने के बाद हमने ये उसको परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ड्रॉ करना है जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में करते थे ए और सी को सेंटर लेके हमने बाई करना है, राइट तो ये हमने परपेंडिकुलर बाइसे ड्रॉ किया ज्वाइन करते हैं इसको, करने से हमारे पास ए सी जो लाइन सेगमेंट है हमारे पास वो मिड पॉइंट आ गया एम ठीक है तो अब जो सेकेंड डायगनल है उसकी लेंथ भी सिक्स पॉइंट एट है तो सिक्स पॉइंट एट का जो हाफ है वो कितना हो गया थ्री पॉइंट फोर सेंटीमीटर तो हमने अब क्या करना है थ्री पॉइंट फोर सेंटीमीटर कंपास ओपन करके ये ओपन कर ली एम जो मिड पॉइंट है उसको सेंटर लेने के बाद इसको अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरफ इस तरह से कट लगा देना है ठीक है अपवर्ड और डाउनवर्ड ये हमने कट लगा दिया राइट तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया बी एंड डी नाउ ज्वाइन दीज पॉइंट्स ए को हमने ज्वाइन किया बी के साथ बी को सी के साथ ए को डी के साथ और डी को सी के साथ तो ये हमारे पास स्क्र की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई जब हमारे पास डायगनल्स गिवन होंगे ठीक है तो ये ए सी और बी डी ये दोनों की जो लेंथ है इट इज अ सिक्स पॉइंट एट सेंटीमीटर